तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, ये देख सकते हो हम अब थाचडू के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ रही है बट हमने अपना ट्रैक कवर करना है। जय बोले, ओम नमः शिवाय। आजो आजो। तो अभी हमने अपनी फ़ोन की बैटरी भी सेव रखनी है, स्लोली स्लोली चलेंगे और बीच बीच में शूट करेंगे जहाँ जहाँ अच्छी लोकेशन आएगी। बट है तो सारी अच्छी, लेकिन फॉग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। धुंधी धुंध पड़ी है हर कहीं। अभी हम दाचू पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, बस 1.5 किलोमीटर के तय करने के बाद। और हर महादेव, अभी थोड़ी देर इधर रुकते हैं, हमारे कुछ साथी पीछे आ रहे हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं रुकने के लिए जगह जगह, मतलब बारिश पड़ जाए तो आप आराम से कहीं भी रुक सकते हो। आपकी यात्रा मंगलम हो, हर हर महादेव, जय बोले। तो अभी हम थाचड़ो में पहुंच चुके हैं, इधर लंगर भंडारा लगा है काफ़ी अच्छा। अभी इधर हम भोजन करेंगे और फिर आगे की ओर निकलेंगे। हर हर महादेव, जय बोले। दोस्तों अभी हम दारचू कैंपिंग साइट क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद हम काली टॉप पहुँचेंगे। अभी निकलते हैं जल्दी से आगे की ओर। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम थारचू से 1 किलोमीटर आगे हाइट पे आ चुके हैं, ये देख सकते हो आप। सुबह से धूप नहीं गई है काफ़ी ज़्यादा, अभी हम क्या पता टॉप पे जाएं तो मौसम साफ हो जाए, बट इस साइड से थोड़ा साफ मौसम दिख रहा है। हर हर महादेव। ये भाई मेरे साथ ट्रैक कर रहे हैं दिल्ली से, ये रवि भैया। जय बोले। जय बोले जी। तो अभी हम काली माता टॉप से थोड़ा पीछे हैं, बट ये देखो मौसम क्लियर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और अभी धूप भी लग चुकी है। ये जो देखो नीचे धुंध दिख रही है जी, अभी हम नीचे की ओर दिख रही है, पहले हम इसके लेवल के थे, अभी हम ऊपर आ चुके हैं। देखो इन वादियों में कितना सुंदर ट्रैक है ये श्रीखंड महादेव जी का। और अभी हम इस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद काली माता के पास पहुंचेंगे। हर हर महादेव। यार काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है रवि भाई, नीचे की ओर देखो, वाह यार, सुकून सुकून, थकान दूर होगी भाई साहब। भाई इतनी मेहनत के, मतलब हम इतना ट्रैक चढ़ के आए हैं बस इसी के लिए, सुकून पाने के लिए। सुकून बाबा सुकून। अभी मौसम क्लियर हुआ था बट अचानक से फिर से धुंध पड़ चुकी है। अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर, बस कैंपिंग साइट काफ़ी ज़्यादा है इधर, आप रेस्ट करते करते जा सकते हो आराम से। तो मौसम भी क्लियर हो चुका है, अभी हम काली टॉप पहुँच चुके हैं। हर महादेव। तो दोस्तों अभी काली माता टॉप से ये ढलान स्टार्ट हो चुकी है, इधर से आगे हम भीमतला के लिए पहुँचेंगे। ये ढलान उतर के नीचे, अभी मैं बीच बीच में शूट कर रहा हूँ, बैटरी भी डाउन हो रही है ठंड की वजह से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम काली माता टॉप से नीचे की ओर जा रहे हैं भीमतलाई के लिए। ये जो सामने लोकेशन दिख रही है आपको, जूम करके दिखाता हूँ, ये भीमतलाई है। अभी हम ये जो सामने का रास्ता दिख रहा है ये सारा उतर के वो भीमतलाई की ओर जाएंगे और फिर देखेंगे आगे का क्या रहेगा। बट ना मौसम एक एक सेकंड में चेंज हो रहा है, ये देखो अभी कितना मौसम क्लियर हो गया, अभी बस 5 सेकंड के बाद मौसम चेंज हो जाएगा, बस धुंध ही धुंध हो जाती है। अभी यार मौसम क्लियर हो, इन पहाड़ों को देख के ना सुकून मिल गया। हर हर महादेव। ये सब सारे लोग उधर से आ रहे हैं, हमने इधर से थोड़ा रिस्की ट्रैक लिया है शॉर्टकट, इधर से नीचे बस वो सामने पहुँचेंगे। धुंध पड़ चुकी है, बस ये सामने रह गया भीमतलाई, फिर उसके बाद देखेंगे आगे निकलेंगे, फिर जो भी रहेगा वो आपको बताएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी लग चुकी है, ये सामने रही भीमतलाई, फाइनली हम भीमतलाई पहुंच चुके हैं। अभी हम सोचेंगे इधर से आगे भीम द्वार के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ पीछे यात्री आ रहे हैं, उनका हमने उनसे बैग नहीं उठाया जा रहा था, वो समर भैया ने उठाया कैरी बैग। तो देखेंगे इधर थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर वो पहुँच गए तो उनको पकड़ा देंगे, तो इधर किसी को देंगे क्योंकि वो जब आएंगे तो उनको पकड़ा देना। तो ये रही सामने
भीम तलाई। दोस्तों अभी मौसम साफ हो चुका है, अभी हम भीम तलाई से आगे की ओर जा रहे हैं। ये देखो सामने का मस्त व्यू, मौसम क्लियर हो चुका है, अभी देखते हैं आगे क्या रहेगा। 5 बज चुके हैं, आज हमने सोचा कि भीम द्वारी पहुँचेंगे, बट अभी इधर भीम तालाब से निकल चुके हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, कितने बजे नहीं। हर हर महादेव। देखो टाइम लैप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये धुन कितनी फास्ट ही आ रही है। वो देखो वो पहुँच गई सामने, ये हम वो सामने से आए हैं भीम तालाब से। तो अभी हम ये आगे का खतरनाक पैच तय कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किल है ये ऊपर से। अब तो दोस्तों इधर से कुंसा स्टार्ट हो चुका है, आएगा वो आगे बट इधर से स्टार्ट हो चुका है। ये सामने देख सकते हो आप, 15 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ये पहला ग्लेशियर आ चुका है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बट आगे आएगा कहीं कुंसा टॉप, बट इधर से स्टार्ट हो चुका है। अभी निकलते हैं महादेव जी का नाम लेके आगे की ओर, काफ़ी डेंजर पहाड़ है यार। यार बारिश की वजह से ना ये गीला हो चुका है, तो उसकी वजह से स्लिप लग रही है। अभी कुंसा स्टार्ट हो चुका है, वो सामने वो क्रॉस करके मेन कुंसा आगे आएगा इस पहाड़ी के बाद। बट यार पहाड़ देखो, इस सामने पहला ग्लेशियर आ चुका है। अभी ये जो सामने का रास्ता दिख रहा ना, ये ऊपर चढ़ के हम सारा आगे कुंसा आएगा, उसके बाद फिर भीम द्वारी। अभी देखेंगे पहले कुंसा पहुँचते हैं, और ये ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद ऊपर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है। वाह ये देखो ख़तरनाक रास्ता आ चुका है, कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है ना बारिश की वजह से, तो स्लोली स्लोली चलना पड़ता है, अगर फिसल गए तो वो नीचे जन्नत में जाएंगे। तो अभी हम इस ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे, बट ये कभी भी नीचे आ सकता है, मौसम ठीक है अगर गर्मी हो तो पिघल के कभी भी नीचे आ सकता है, काफ़ी डेंजर है। ये देखो कहाँ से पानी निकल रहा है, अरे बाप रे। तो अभी ये हम पहला ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं, आगे और पता नहीं कितने ज़्यादा आएंगे, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, ट्रैक करने का खूब ज़्यादा आनंद आ रहा है। अरे वाह अरे वाह, ये नीचे भी जा सकता है, ये तो जिसमें मैं चल रहा हूँ ना ये नीचे भी जा सकता है, इधर स्टिक के साथ ऐसे ऐसे करके आगे की ओर बढ़ते रहना है। भाई साहब हालत ख़राब हो गई ये पैच चढ़ते हुए, ये देख सकते हो आप, वो सामने से आए थे हम, और फिर उसके बाद ये हमने सारा पैच ऊपर चढ़ा, और अभी हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब इधर से फिर से अगेन डाउन की ओर जाएंगे, साथी लोग काम पे आ रहे हैं। ये देखो हर हर महादेव आ जाओ, एक वो देखो साउथ इंडिया का दोस्त आ रहा है बेचारा, सिद्धू आ जा जल्दी। हर हर महादेव आजा आजा। तो अभी देखो मौसम भी चेंज हो चुका है, बस सेकंड की बात है इधर कभी धुंध, बट जो इधर का व्यू है ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। कुंसा में पहुंच चुके हैं, इधर से आगे भीम द्वारी के लिए निकलेंगे, जो कि हम नाइट स्टे करेंगे और फिर सुबह मॉर्निंग में 2-3 बजे आगे की ओर निकलेंगे। भाई साहब अभी वो जो सामने दिख रहा है इससे आगे जाएंगे हम भीमदार के लिए, अभी ये काफ़ी मुश्किल है, ये नीचे उतरेंगे और फिर वो सामने वाले रास्ते से जाएंगे। चलो अभी निकलते हैं महादेव जी का नाम लेके, हर हर महादेव। दोस्तों ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है, ये फिसलने वाला, बिल्कुल धीरे से चलना पड़ रहा है। अभी फिर से नीचे उतरेंगे और फिर देन ओ सामने ये ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ना, बट ये बड़ा डाउन में जाना जाता है और फिर चढ़ाई आ जाती है एकदम से। अरे भाई काफ़ी कठिन रास्ता है, देख सकते हो आप, सब बोले बाबा के भरोसे है बट रास्ता कठिन है, इतना भी आसान नहीं है। कैसा कैसा रास्ता आ रहा है, अरे बाप रे।
इसलिए पैदल बिल्कुल आराम से उतरना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अंधेरा काफ़ी हो चुका है, 8:30 के करीब टाइम हो चुका है। ये यार मुझे थोड़ी स्लिप लगी, हाथ में लग गई है। यार हाथ में लग गई है यार। वही रास्ता काफी कठिन आते जा रहा है। अरे बाप रे बाप भैया, रास्ता तो रखे क्या बोले यार, बूट स्लिप काफी कर रहा है, पहले भी स्लिप लगी है, देखो हाथ में लग गई है यार, थोड़ी सी पाँव में लग गई है, बट क्या करना, अभी पहुंचना है हमें। दोस्तों रास्ता ज़्यादा कठिन है और टाइम भी 9 बजने वाले हैं, अंधेरा काफ़ी हो गया है। अभी हमने भीम द्वार पहुँचना है, बट देखते हैं कब पहुँचेंगे। इसकी वजह से ना हाथ में थोड़ी चोट आ गई, ये देख सकते हो आप, बट जाएंगे ज़रूर भीम द्वार तक। तो दोस्तों अभी मैं भीम द्वार पहुँच चुका हूँ, वो जो सामने रहा उधर कहीं रुकेंगे हम, अभी ये अंधेरा है, ये थोड़ा सा रास्ता रहा है, ये तय करेंगे राम राम से, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी ये लास्ट कैंपिंग साइट आ गई है, तो अभी हम इधर स्टे करेंगे और फिर रात को देखेंगे 1:30-2 बजे जो भी रहेगा और निकलेंगे। ये नीचे सारा ग्लेशियर है, अभी इसको क्रॉस करेंगे, टाइम काफ़ी हो चुका है, 10:30 के करीब टाइम हो रहा है, तो इसको क्रॉस करेंगे। ये भीम दीवार की, तो दोस्तों ये सब जहाँ अभी हम हैं, ये भीम दीवार की लास्ट कैंपिंग है, अभी हम इधर कहीं स्टे करेंगे इस कैंपिंग में और 2-3 बजे के करीब निकलेंगे। वो हम सामने का सारा अभी ट्रैक कवर करके आ चुके हैं रात को ही, क्योंकि सुबह के लिए हमें आसानी हो जाएगी। हर हर महादेव।